यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर का लेसन 5th चल रहा है। तो देखो, अब हम पहले 2 पेजेस रीड कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं। तो देखो क्या है, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है? व्हेन द कंप्यूटर इज ऑन, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वी सी एन एरो, हम एक एरो देखते हैं ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर। ये एरो है ना बेटे, इस टाइप के एरो देखते हैं ना मॉनिटर के ऊपर, इट इज़ अ माउस पॉइंटर। ये क्या होता है? माउस पॉइंटर होता है व्हेन वी मूव द माउस, जब हम माउस को मूव करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स इन द सेम डायरेक्शन। तो पॉइंटर भी उसी तरह सेम डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है बेटे, पॉइंटर के थ्रू ही हम किसी चीज़ को ड्रैग ड्रॉप करते हैं, किसी को ओपन करते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है? यूजिंग ए माउस। माउस को यूज़ कैसे करते हैं? व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, जब हम माउस के बटन को प्रेस करते हैं या रिलीज़ करते छोड़ते हैं, वी कॉल इट क्लिकिंग। उसे क्या बोलते हैं? क्लिकिंग बोलते हैं। क्लिकिंग क्या होता है? व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, वी कॉल इट क्लिकिंग। उसे क्लिकिंग बोलते हैं, जब छोड़ते या फिर प्रेस करते। व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ अ माउस, वी कॉल इट लेफ्ट क्लिक और सिंपली क्लिक। व्हेन वी क्लिक द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस, जब हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट, उसे बोलते हैं लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक बोलते हैं या फिर सिंपली क्लिक बोलते हैं। ठीक है, देखो ये सामने क्लिक कर रही है ना, ये पर्सन कर रहा है क्लिक। नेक्स्ट क्या है? व्हेन वी क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस, वी कॉल इट राइट क्लिक, जब हम उसको राइट बटन उसका क्लिक करते हैं माउस का, उसको क्या बोलते हैं? राइट क्लिक बोलते हैं। सिंगल क्लिक, अब आगे देखो क्या है, ये ऊपर लेफ्ट क्लिक था और ये था राइट क्लिक। ठीक है, अब देखो सिंगल क्लिक क्या होता है? सिंगल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस एंड रिलीजिंग इट। सिंगल क्लिक मीन्स, सिंगल क्लिक का मतलब क्या होता है? प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन, माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं एक बार में वंस एंड रिलीजिंग इट, और इसे छोड़ देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल क्लिक। डबल क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस एंड रिलीजिंग इट। डबल क्लिक का क्या मीनिंग होता है? प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस, लेफ्ट माउस बटन को ट्वाइस, दो बार क्या करते हैं? प्रेस करते हैं एंड रिलीजिंग इट, उसके बाद उसे छोड़ते हैं। ओके बेटे, तो इस टाइप से ये डबल क्लिक होता है। सिंगल एक बार क्लिक करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगल क्लिक। डबल क्लिक रेगुलर करते हैं और उसके बाद उसे छोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डबल क्लिक। नेक्स्ट क्या है बेटे? क्लिक एंड ड्रैग। क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है? वी फर्स्ट प्रेस द लेफ्ट माउस, लेफ्ट बटन, हम सबसे पहले क्या करते हैं? वी फर्स्ट प्रेस द लेफ्ट बटन, सबसे पहले हम लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, कीपिंग इट प्रेस्ड, उसको प्रेस करके ही रखते हैं, मतलब दबा के ही रखते हैं। वी मूव द माउस, और माउस को मूव करते हैं, इधर उधर चलाते हैं। प्रेसिंग द लेफ्ट बटन इज क्लिक, लेफ्ट बटन को प्रेस करना और एंड मूविंग द माउस, और माउस को मूव करना वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस इज ड्रैग। तब क्या होता है? जो लेफ्ट बटन है वो क्या कर रहा होता है? ड्रैग कर रहा होता है, कोई चीज़ को खींच रहा होता है। देखो सपोज करो किसी भी आइकन, देखो ये आइकन है, यहाँ पे हमने क्या किया? क्लिक किया और फिर उसको ऐसे मूव करके ऐसे ही लेके गए, प्रेस किए कराए को, उसको छोड़ना नहीं। अगर जहाँ पे हमने छोड़ दिया वहाँ पे वो क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को जो यहाँ से लेके जा रहा है वो क्या होती है? ड्रैग। और जो यहाँ पे छोड़ रहा है उसको वो क्या होती है? ड्रॉप। ठीक है बेटे, तो क्या है? वी यूज़ क्लिक एंड ड्रैग टू मूव एन आइटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द स्क्रीन। हम एक चीज़ को जहाँ से, एक जगह से, यहाँ से जैसे लेके जा रहे हैं दूसरी जगह पे, उसे क्या बोलते हैं? ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, एक से दूसरी जगह पे। नेक्स्ट क्या है? मूविंग अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन। मूविंग अप एंड डाउन ऑन द स्क्रीन, अब स्क्रीन के ऊपर अप लेके जाते हैं या डाउन लेके जाते हैं कर्सर, उसे क्या बोलते हैं? देखो ये स्क्रीन है, आपको सामने शो हो रही है ना। व्हेन वी क्लिक ऑन द एरो एट द टॉप राइट, वी मूव ए लाइन अप। तो देखो जब हम टॉप राइट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ टॉप राइट है ना, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? जो हमारा लाइन अप, जो हमारा कर्सर है, वो यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्या है? वन वी क्लिक ऑन द एरो एट द बॉटम राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, वी मूव ए लाइन डाउन। तो अगर यहाँ, यहाँ देखो ये आपको ये एरो देखो, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एरो यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, और बिल्कुल यहाँ लास्ट में क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो भी वर्क हम करेंगे यहाँ पे होगा।
ओके बेटे, ये लाइन अप और लाइन डाउन होता है। नेक्स्ट क्या है, शटिंग डाउन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को शट डाउन कैसे करते हैं, शट डाउन मतलब बंद कैसे करते हैं। वी कैन यूज़ ए माउस टू डू मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स। हम जो माउस है उसका यूज़ करते हैं टू डू करने के लिए मैनी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कई इंपॉर्टेंट चीज़ें करने के लिए यूज़ करते हैं। वन इंपॉर्टेंट टास्क इज शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क है, काम है शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करना। वी फॉलो द गिवन स्टेप्स टू डू सो, हम ये करने के लिए गिवन स्टेप्स, नीचे कुछ स्टेप दिए गए हैं उनको आपने ध्यान से देखना है। यूज़ अ लेफ्ट माउस बटन टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। हम क्या करते हैं, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। देखो जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एक स्टार्ट बटन होता है, ठीक है बेटे, जहाँ से स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स निकलते हैं वहीं पे हम स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ए पॉपअप मेन्यू विल कम ऑन द स्क्रीन, एक जो स्क्रीन पे कुछ मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पे एक ऑप्शन होगा टर्न ऑफ कंप्यूटर वाला, ए टर्न ऑफ कंप्यूटर विंडो विल अपीयर, उसके बाद टर्न ऑफ कंप्यूटर विंडो अपीयर होगी, दिखेगी हमें सामने। क्लिक द टर्न ऑफ ऑप्शन इन द विंडो, हम टर्न ऑफ ऑप्शन में विंडो के अंदर क्लिक करेंगे। द कंप्यूटर विल स्टार्ट शटिंग डाउन, उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा बंद होना। इन अ फ्यू सेकेंड्स द स्क्रीन बिकम्स ब्लैंक, कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, खाली हो जाएगी और जो हमारा कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, ठीक है बेटे। ये पूरी प्रोसेस है, इसको आपने एक दो बार सुनना है अच्छे से वीडियो को, तभी आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आएगा। इसके बाद क्या है, नो मोर, हम और कुछ जानते हैं। द कंप्यूटर वर्क्स प्रॉपरली व्हेन वी शट इट डाउन प्रॉपरली, कंप्यूटर तभी लगातार कई समय अच्छे से काम कर पाएगा जब हम उसे टाइम टू टाइम और सिस्टम से क्या करेंगे, शट डाउन करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑफ द, देखो सबसे पहले तो वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा, स्विच ऑफ द मोनिटर, मोनिटर को आप बंद कर दीजिए। स्विच ऑफ द यूपीएस, यूपीएस को बंद कर दीजिए। यूपीएस क्या होता है बेटे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या होता है बेटे, एक इन्वर्टर टाइप में एक सिस्टम होता है कंप्यूटर के साथ, उसको यूपीएस बोलते हैं। जब लाइट चली जाती है तब भी हमारा कंप्यूटर बंद नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, स्विच ऑफ द वॉल स्विच, जो वॉल स्विच है हमारी दीवार के साथ स्विच लगा हुआ है, उसको भी आप बंद कर देंगे। देखो आप इस स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे पहले ये स्टार्ट बटन है, इसको हमने क्लिक किया तो ये पूरा जो ऑप्शन पॉपअप मेन्यू है वो ओपन हो गया, तो ये शट डाउन ऑप्शन यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या, पॉइंट टू रिमेम्बर, कुछ जानने योग्य बातें। वी यूज़ ए माउस टू पॉइंट एट और सेलेक्ट समथिंग ऑन द कंप्यूटर। वी यूज़ ए माउस, हम माउस का यूज़ करते हैं टू पॉइंट एट और सेलेक्ट समथिंग, कोई भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के ऊपर। वी ऑल्सो यूज़ इट टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम, हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, ड्रॉ पिक्चर, कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए एंड प्ले गेम्स, और गेम्स खेलने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। वी कीप ए माउस ऑन ए माउस पैड, हम माउस का यूज़, माउस को कहाँ रखते हैं, माउस पैड के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, द पार्ट्स ऑफ ए माउस आर, जो माउस के पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, स्क्रोल व्हील, बटन, टेल एंड टू क्लिकिंग बटन्स, कौन कौन से हैं। एक तो उसके अंदर स्क्रोल व्हील होता है और एक उसके ऊपर बटन होते हैं, टेल होती है उसकी पूंछ होती है, जो वायर होती है, एंड टू क्लिकिंग बटन, और क्या होते हैं, दो क्लिक करने के लिए बटन होते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हेन कंप्यूटर इज ऑन, जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं, वी सी द माउस पॉइंटर ऑन द मॉनिटर, हम क्या करते हैं, देखते हैं माउस पॉइंटर को ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर। नेक्स्ट क्या, व्हेन वी प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन, जब हम प्रेस करते हैं और रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं माउस बटन को, वी कॉल इट क्लिकिंग, उसे क्या बोलते हैं, क्लिकिंग। वी यूज़ क्लिक एंड ड्रैग टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, हम क्लिक करते हैं उसके बाद ड्रैग खींचते हैं, टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन, किसी भी आइटम को मूव कराने के लिए, एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ड्रैग करते हैं, ठीक है। वी कैन यूज़ अ माउस टू शट डाउन ऑन कंप्यूटर, हम माउस का यूज़ करते हैं कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, ठीक है बेटे। तो ये आपका पूरा लेसन अच्छे से आपने रीड करना है, और कल हम इसके बाद जब हमारा जो ये डे होगा कंप्यूटर का, उस दिन हम क्या करेंगे, बुक वर्क करेंगे, ठीक है। पहले अगर आप लेसन अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको बुक वर्क करने में बड़ी आसानी होगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।